आपको टॉप एक्स टेक्निकल में खुश आमदीद कहते हैं। ये है F21 प्रो 5G वर्जन ओप्पो का, जो कि मैं तकरीबन कोई 10 से 15 दिन हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, और मैं आपको कुछ इसके फीचर्स कैमरे के बारे में बताऊंगा कि मैं इसके कैमरे से सेटिस्फाइड हूं कि नहीं। जो भी कैमरा लवर हैं, जो मोबाइल ये लेना चाहते हैं और ये लेने का सोच रहे हैं, तो पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि आप इतने पैसे जब आपने भरने हैं तो आप क्या ख़रीद रहे हैं। तो नो डाउट ये मोबाइल जो है लुक्स वाइज तो काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है, इसकी लुक्स, इसकी डायमेंशन काफ़ी अच्छी है। मैं इसका आपको कवर भी उतार के दिखाता हूँ। ये देखिए जी, इसकी मैंने बैक कवर उतार दिया है, सिलिकॉन कवर। नो डाउट ये मोबाइल तो लुक्स वाइज अच्छा है, बट ऐसे ही ट्रेंड में मोबाइल आ रहे हैं बम्पी कैमरा के साथ और बड़े बड़े कैमरे, तो यह है कि मैं सीधी सी कहूँगा कि इसके अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 4K रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में नहीं है, 1080p है, और ये एमोलॉयड डिस्प्ले नहीं है, LCD डिस्प्ले मुझे लग रहा है। और इसका कैमरा जो है, इसके अंदर जूम भी इतना नहीं है। बहरहाल इसके कैमरे से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखा देता हूँ उसके, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं जो कि होने चाहिए थे, इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे नहीं मिले। डिटेलिंग है बट वो अब कैमरे में यहाँ अच्छा लग रहा है, बट आप देख सकते हैं कि इतना कोई ज़बरदस्त कोई इसका रिज़ल्ट नहीं है। आप इतने पैसे भरें 80 से और आपको चीज़ भी अच्छी ना मिले, तो बेसिकली ज़्यादातर लोग तो कैमरे के लिए ही ये मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं, तो मुझे इसकी इतनी ख़ास कोई वो लगी नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करूँ ये मोबाइल के इतने पैसों में लें और आपको इससे सेटिस्फेक्शन हासिल होगी। तो सोच समझ के लीजिएगा, इसका रिज़ल्ट इतना कोई ख़ास नहीं है। आपने अगर कैमरे वगैरह लेना है तो सैमसंग मोबाइल की तरफ जाएं, सैमसंग के अच्छे मोबाइल फ्लैगशिप सीरीज़ की तरफ जाएं कि वो आपको ज़्यादा अच्छी हाई डेफिनेशन कैमरा देंगे जिसके अंदर वाकई ही कैमरे क्वालिटी के होते हैं। ये मोबाइल तो लुक वाइज अच्छा है बट कैमरे वाइज मुझे ये पसंद नहीं आया। ये मेरी अपनी राय है, ना कि मैं कहूँगा सबके लिए, बट मुझे आप जो भी ले रहा है उसको पहले ट्राई करके देखें। इसे कलर चेंजिंग है, देखें इसके अंदर कलर चेंज होते हैं, तो ये लुक वाइज तो बहुत अच्छा मोबाइल है। डायमेंशन भी इसकी काफ़ी अच्छी है, स्क्रीन रेशो बड़ी टू स्क्रीन रेशो भी अच्छी है, देखें काफ़ी, बट मुझे ये बेसिकली पसंद नहीं आया कैमरे की वजह से। मैं कैमरा लवर हूँ तो मुझे कैमरे वाले फ़ोन अच्छे लगते हैं। मैं यहाँ से एक क्लिक भी करके दिखा देता हूँ आपको। अब ये वाली फ़ोटो देख लेते हैं जो हमने क्लिक की है, देखिए उतनी अच्छी नहीं मोबाइल का रिज़ल्ट जितना होना चाहिए। बाकी सारे खुद ही कह सकते हैं कि इसमें मतलब पिक्चर्स वगैरह अच्छी आती हैं देख बाई लुक, मगर उसकी तस्वीरें नहीं अच्छी थी जो मतलब ह्यूमन वगैरह किसी जानवर की ली जाएँ, उसकी इतनी ख़ास तस्वीरें नहीं निकल के आती। तो बहरहाल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये मोबाइल आप लें। ओके।